वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में बनने जा रही एक और रीमेक फिल्म के बारे में। तो एक समय हुआ करता था कि जब बॉलीवुड में साउथ से किसी भी फिल्म का रीमेक बनाया जाता था, तो उस फिल्म के अंदर जिसका रीमेक बनाया जा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हटके होता था। चाहे कमर्शियल एलिमेंट कह लो, चाहे कुछ कंटेंट वाइज कह लो, कुछ ना कुछ हटके होता था उसके अंदर। मसाला कह लो, जो भी कह लो, कुछ खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न होता था, कुछ खतरनाक कंसेप्ट होता था, तभी उस फिल्म का जो है साउथ से यहां पर हिंदी में रीमेक बनाया जाता था। और अभी कुछ सालों पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही चल रहा था। पर आज की डेट में हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि आज की डेट में बॉलीवुड के अंदर साउथ की किसी भी फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है। आज से कुछ साल पहले एक अपडेट निकल के आई थी कि अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डीजे, यानी कि दोबारा जगन्नाथम। तो उस फिल्म का बॉलीवुड में रीमेक बनाया जाएगा। हालांकि जब ये अपडेट निकल के आई थी तो मुझे बिल्कुल इस चीज पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि कोई भी मेकर्स ऐसा होगा, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा होगा, कोई डायरेक्टर ऐसा होगा कि डीजे जैसी एक फिल्म का यहां पर रीमेक बनाएगा। क्योंकि मेरे ओपिनियन में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डीजे फिल्म के अंदर से अगर अल्लू अर्जुन को आप निकाल दोगे तो उस फिल्म का कोई भी वैल्यू नहीं है। अल्लू अर्जुन की जगह किसी भी दूसरे एक्टर को डाल दो, स्पेशली उस एक्टर को डालो कि जिसका कोई सुपरस्टार वाला स्टारडम नहीं हो। ऐसे किसी एक एक्टर को डाल दो तो डीजे फिल्म का वैल्यू जीरो हो जाता है। उसके अंदर आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। वो फिल्म कुछ हद तक कुछ पोर्शन में एंटरटेनिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अल्लू अर्जुन है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग है। अदरवाइज अगर स्क्रिप्ट लेवल पर, राइटिंग लेवल पर, स्टोरी लेवल पर देखोगे तो उस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी खास, कुछ भी हटके नहीं था। पर उस फिल्म का भी अब यहां पर रीमेक बनाया जा रहा है और ये जो चीज है लगभग कंफर्म हो चुकी है। खबर निकल के आ रही है कि इस फिल्म के जो ओरिजिनल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं हरीश शंकर, वही इस फिल्म के हिंदी रीमेक को यहां पर बनाने जा रहे हैं, जहां पर बॉलीवुड के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है इस फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। खबर निकल के आई है कि हरीश शंकर जो है खुद यहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास गए थे इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर, और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म की स्क्रिप्ट जो है बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और यहां पर वो इस फिल्म के रीमेक में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं या फिर सेम डीजे की स्क्रिप्ट को लेकर यहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिखा दिया है, क्योंकि अगर डीजे की सेम स्क्रिप्ट को लेकर दिखाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाली कोई बात होगी। तो शायद उसके अंदर से कुछ चेंजेस किए गए होंगे। पर यहां पर एक चीज तो देखकर मुझे पता चल रही है कि आज की डेट में कंटेंट को देखकर यहां पर रीमेक नहीं बनाया जा रहा है, कमर्शियल सक्सेस को देखकर यहां पर रीमेक बनाया जा रहा है। मतलब वहां पर साउथ में जो फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल होती है उनका यहां पर रीमेक बना दिया जाता है। कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई यहां पर चेक नहीं किया जाता है कि वो फिल्म क्यों सक्सेसफुल हुई, किस लिए हुई, एक्टर का स्टारडम क्या था, ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या था, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, किसी भी चीज को लेकर कोई भी यहां पर रिसर्च नहीं की जाती है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले अला वेकुंटा पुरमलो जो फिल्म है उसका रीमेक जो है काफी ज्यादा चर्चे में चल रहा था। उसका रीमेक जो है शहजादा नाम से बनाया जा रहा है, जिसमें कार्तिक आर्यन जो है हमें नजर आने वाले हैं। अब उस फिल्म के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो फिल्म भी एक सिंपल फिल्म है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, ऑलरेडी काफी बार आप फिल्मों में देख चुके हो। पर यहां पर उस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन नजर आते हैं, वो उस फिल्म का एक प्लस पॉइंट था। और दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि उस फिल्म को यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कब रिलीज करवाया गया था, उस फिल्म को यहां पे संक्रांति के मौके पे रिलीज करवाया गया था। और संक्रांति का मौका ऐसा होता है कि वहां पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो भी फिल्में रिलीज होती हैं उसके अंदर एक अच्छा एक्टर, बस बड़ा एक्टर होना चाहिए, चाहे फिल्म कैसी भी हो, सिंपल हो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, वो फिल्म चलती है, अच्छा खासा परफॉर्म करती है और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही परफॉर्म करती है। पर यहां पर अगर आप देखोगे, अगर शहजादा फिल्म को लेकर, तो नॉर्थ में भी काफी सारे फेस्टिव सीजन चलते हैं, दिवाली है, क्रिसमस है, होली है, तो वहां पर भी आप रिलीज करवा सकते हो। पर क्या शहजादा को एक फेस्टिव सीजन पे या फिर फेस्टिवल डेट पर सोलो रिलीज मिलेगी? आज की डेट में तो मेरे हिसाब से कोई भी फेस्टिव डेट जो है यहां पर खाली पड़ी नहीं है, हर त्यौहार पे कोई ना कोई बड़े एक्टर की तो फिल्म आ ही रही है। तो अगर आप अपनी फिल्म को, एक रीमेक फिल्म को जिसको ऑलरेडी अभी सब लोग देख लेंगे, उस फिल्म को किसी बड़े फिल्म के साथ क्लैश करवाओगे तो वैसे भी आपकी फिल्म नहीं चलेगी। और विदाउट फेस्टिव सीजन अगर आप फिल्म को रिलीज करवाते हो तब भी फिल्म का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। इसके अलावा बात करें अब डीजे फिल्म को लेकर, अब डीजे फिल्म के बारे में अगर आपने ढंग से थोड़ा रिसर्च करोगे तो आप जाकर चेक कर लो उसके कलेक्शंस वगैरह को, तो डीजे फिल्म जो थी पहले 3 दिन में बहुत कमाल का उसने परफॉर्म किया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उस टाइम सलमान खान की भी कोई एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं हुआ था, पर अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने उसके कंपैरिजन में काफी बेहतरीन परफॉर्म कर दिया था, जिसके वजह से फिल्म जो थी काफी ज्यादा चर्चे में आ गई थी। पर अगर आपको पता हो, अगर आप किसी भी तेलुगु बंदे से
पूछोगे कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उस फिल्म का क्या हाल हुआ था। तो उसके बाद वो फिल्म जो थी धीरे 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 नीचे जाने लगी थी और कलेक्शन जो थे लगातार गिरने लगे थे, क्योंकि फिल्म जो थी जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी उस फिल्म से उसे वो मैच नहीं कर पाई थी। पर क्योंकि इसका ट्रेलर इतना बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया था, अल्लू अर्जुन के डबल शेड हमें देखने को मिल रहे थे, तो उसको लेकर एक हाइप अच्छी खासी क्रिएट हुई थी और उस फिल्म ने एक डिसेंट कमर्शियल सक्सेस हासिल किया था। पर अगर आप अब इस फिल्म का रीमेक बनाओगे तो सबको तो पता है कि इसकी स्टोरी में क्या देखने को मिलने वाला है, तो कोई एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा होगी नहीं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा का वो एक बहुत जो स्टारडम होता है कि सुपरस्टार वाला स्टारडम होता है वो तो है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस फिल्म का रीमेक बनाकर क्या फायदा होने वाला है। एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, जितना मैंने पढ़ा है कि फिल्म के जो डायरेक्टर है हरीश शंकर वो खुद गए हैं इस फिल्म का रीमेक बनाने के लिए। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आज के टाइम में जो साउथ के डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एक बहुत अच्छा एक ट्रिक आ चुका है कि वो एक फिल्म बनाएंगे और उन्हें पता है कि उनकी फिल्म को खरीदने के लिए बॉलीवुड में लाखों लोग पड़े हुए हैं, तो उनके पास बिजनेस का एक अच्छा मॉडल आ चुका है कि वो एक फिल्म वहां पर बनाएंगे और उसी फिल्म की रीमेक राइट्स को खुद लेकर जाएंगे, बेचेंगे और उसके रीमेक के अंदर को प्रोड्यूसर के तौर पर शामिल हो जाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो कमा लेंगे। और उन्हें पता है कि उनकी फिल्मों के रीमेक बनाने के लिए यहां पे लोग तरस और तड़प रहे हैं, तो इनके पास एक अच्छा मॉडल आ चुका है। और अगर आप देखोगे रीसेंट टाइम के अंदर तो प्रोड्यूसर जो साउथ के प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से ही अधिकतर लोग जो है यहां पर बॉलीवुड के पास जाते हैं, हीरो के पास, वहां के प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं अपनी फिल्मों के रीमेक बनाने के लिए, और वो लोग तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि उनके तो चाहिए रीमेक, उनके पास तो कुछ नया है नहीं, कोई स्क्रिप्ट है नहीं, तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो हर तरफ से यहां पर उन लोग की चांदी होके पड़ी है और बॉलीवुड का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि डीजे फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी उसकी जो कहानी थी उसको लेकर कोई एक रीमेक बनाना चाहिए। वैसे आपके क्या ओपिनियन बनते हैं कि क्या डीजे फिल्म की रीमेक बननी चाहिए, जबकि वो फिल्म अल्लू अर्जुन की है जिसको मिलियंस में 100, 200, 300 मिलियंस में लोगों ने देख लिया है, तो ऐसी एक फिल्म का क्या रीमेक बनना चाहिए, वो भी 2023-2024 के अंदर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।